हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है कि जो आपका फेस लॉक है सो कैसे सेट करते हैं। आज का टॉपिक यही है और कैसे हटा सकते हैं वो भी बताऊंगी, दोनों बताऊंगी, हटाना लगाना। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मेरे पास है रियलमी का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जो आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस पासवर्ड का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है एड अ फेस लॉक पर। और इसके बाद आपने जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखे उसे ड्रॉ करेंगे। अगर नहीं लगा रखे तो आपका ऑप्शन आएगा और इधर फेस लॉक दिखाना होगा। इससे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा, तब आपका फेस लॉक ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं अपना फेस लॉक दिखा चुकी हूँ। उसमें फेस लॉक दिखाते ही आपका ये वाला फेस आएगा आपका, और आपका फेस लॉक लग चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है और हम स्क्रीन ऑफ करेंगे और देख सकते हैं कि मेरे में फेस लॉक लगा हुआ ऑप्शन आ रहा है ऊपर। मेरा फेस लॉक सही ओपन हुआ है, आपके सामने देख ही सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में फेस लॉक को सेट कर सकते हैं इसी प्रकार से। अब इसको हटाना कैसे है वो बताऊँगी। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है फेस लॉक और फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर। और इसके बाद आपको फेस लॉक पर क्लिक करना है और जो भी आपने मतलब स्क्रीन लॉक लगा रखा है उसको ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद आपको इसको यहाँ से डिलीट करना है, ये रहा डिलीट का ऑप्शन होता ही। और इसके बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन ऑफ करके दिखा रहे थे कि मेरे फेस लॉक नहीं है अब, तो देख सकते हैं कि इसमें कोई फेस लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में फेस लॉक को लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सीख चुके किस प्रकार फेस लॉक को हटाना और लगाना बता चुकी है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।